हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तखतगढ़ की साधारण बैठक में जमकर हुआ हंगामा, विधायक को रोकनी पड़ी एजेंडों पर चर्चा। 6 घंटों तक चली बैठक, कई बिंदुओं को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षद भी हुए आमने सामने। तखतगढ़ नगर पालिका की साधारण बैठक ललित कुमार रंगावत की अध्यक्षता व सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की मुख्य अतिथि में शुरू की गई, जहां पर बैठक में सर्वप्रथम सभी पार्षदों का तिलक, माला व साफा एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत करते हुए बैठक की शुरुआत की गई। इससे पूर्व उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने को लेकर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई। वहीं बैठक में पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा द्वारा सभी पार्षदों को माला पहनाते वक्त वार्ड 4 के पार्षद अंबा देवी ने भाजपा का बोर्ड होने पर माला नहीं पहनने की बात कही एवं वार्ड संख्या 17 के लादूराम मीणा ने भी माला नहीं पहन हाथ में ली। तत्पश्चात पालिका अध्यक्ष ललित कुमार रंगावत द्वारा साफा व शॉल उड़ाते वक्त वार्ड 4 के पार्षद अंबा देवी रावल ने शॉल नहीं ली। वहीं बैठक में एजेंडों पर चर्चा शुरू करते वक्त नगर पालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान में पेराफेरी गाँवों को जोड़ने का विचार विमर्श करते वक्त बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि सुमेरपुर विधायक को एजेंडों को रोकते हुए सभी पार्षदों को बारी बारी से अपनी समस्या सुनाने की बात कही। सबकी समस्याओं में सभी पार्षदों को पानी, बिजली व सड़क की समस्या का मुद्दा छाया रहा। बैठक के एजेंडों पर चर्चा करते हुए कई प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें शहर के सौंदर्यकरण को लेकर नगर पालिका ने सभी को DPR प्रोजेक्ट पिक्चर तैयार कर टीवी के माध्यम से बताई, जिसमें 5,97,00,000 की DPR तैयार करने का भी प्रस्ताव लिया गया। बिंदु नंबर 15 पर नगर पालिका क्षेत्र में बिना बोर्ड के सक्षम स्वीकृति के जारी अनुज्ञा पत्र व नीलामी को लेकर भी एक बार फिर पार्षदों ने हंगामा करते हुए बिना सक्षम स्वीकृति के जारी अनुज्ञा पत्र को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की बात कही। वहीं वार्ड 12 के वार्ड पार्षद ने कई ज्ञापन लहराते हुए बताया कि कई सारे ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक पालिका ने समस्या का समाधान नहीं किया। इधर वार्ड 13 व 14 के पार्षद भी वार्ड में नाली क्रॉस लगाने को लेकर काफी देर तक उलझे। इसके बाद सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। नगरीय विकास को लेकर विभिन्न समितियों के गठन का पठन अध्यक्ष ललित कुमार रंगावत के द्वारा किया गया। समिति गठन से पूर्व भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में उलझे। अंत में अध्यक्ष ने विधायक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 45 लाख रुपए विकास कार्य के लिए स्वीकृत होने पर आभार जताया। जागरूक टीवी के संवाददाता से सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, इनका कहना है कि अपने अपने वार्ड के और शहर के विकास के संबंध में बात अच्छी तरह से रखी। ये हंगामा नहीं था, ये उनकी भावना थी और भावना को, जनता की भावना को बोर्ड में रखना कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने अच्छी तरह से अपनी बात रखी और सभी ने उनकी बात को सुनी। उनके अनुसार सारे पार्षदों के अनुसार सारे प्रस्ताव दिए गए और उन प्रस्तावों को नगरपालिका स्तर पर उनकी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से विकास के आयाम यहाँ प्रस्तुत। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।